जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारे में अभी जो बड़ी खबर चल रही है वो ये कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार हो चुके हैं और एनसीबी की गिरफ्त में हैं। आपको बता दें कि उन पर इल्ज़ाम लगा है कि वे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे और इसी वजह से एनसीबी ने जब छापेमारी मारी तो उसके बाद तमाम चीज़ों की वजह से, जिसमें उनके व्हाट्सएप चैट्स भी आती हैं, फ़ोटोज़ भी आती हैं, उन तमाम कारणों की वजह से उन्हें जेल हो गई। और अभी भी उनकी, आज की बात की जाए 7 तारीख है और आज उनकी याचिका जो है वो दायर हुई हो चुकी है और वो आज खारिज होगी, उन्हें बेल मिल जाएगी या नहीं मिलेगी इस पर आज डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर जो एक और ये आ रही है कि अब एनसीबी पे भी काफ़ी सारे सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, एनसीबी ने जिस तरह से कार्यवाही की है इस पर कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल दिखना शुरू हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि कोई खास पार्टी के कुछ लोग एनसीबी टीम के साथ थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक एनसीबी जो है वो एक इंडिपेंडेंट टीम होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। और इसी के चलते अगर वहाँ पे किसी पार्टी के बंदे या पार्टी के मेंबर्स अगर दिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा करती है। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें कि एक फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि शाहरुख खान के साथ एक शख्स अपनी फ़ोटो खींचा रहा है पुलिस स्टेशन में। जो ये शख्स फ़ोटो खिंचा रहा है ये भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, और ये इंसान वहाँ पे क्या कर रहा था और एनसीबी की रेड में इस इंसान का क्या काम था, तो इस तरह के तमाम सवाल जो है वो एनसीबी के काम पर उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये खबरें सामने आ रही है कि एनसीबी ने ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक काम किया है और इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल भी है। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या आपको भी लगता है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, क्या जानबूझ के इस तरह का काम किया गया है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। नमस्कार।